हेलो एवरीवन, मेरा नाम सोहेल है और मैं आज आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ उधमपुर की एक ऐसी रिनाउंड पर्सनालिटी से जो एक बहुत ही फेमस आर्टिस्ट हैं, एक पेंटर हैं हमारी सिटी के। तो आइए बात करते हैं श्री अरुण शर्मा जी से। अरुण शर्मा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार अरुण शर्मा जी, अपने बारे में बताइए जी। मेरा नाम तो आप जान ही चुके हैं, अरुण शर्मा है, और मैं पिछले 30 सालों से उधमपुर में एज ए आर्टिस्ट काम कर रहा हूँ। जब मैंने अपना कैरियर, जब कहते हैं जब स्टार्ट होता है, वो स्कूल लाइफ में ही मेरा स्टार्ट हो गया था। स्कूल में ही मैंने शुरू कर दिया था पेंटिंग वेंटिंग, तो जब शौक़ था बहुत ज़्यादा, तो वो काम चलता रहा। फिर आफ्टर मैट्रिक कुछ घर की परेशानियां आई और उसके बाद फिर मैं उन्हें सॉर्ट आउट करते हुए, परेशानी से निकलते हुए यही सोचा कि ये इसी में मुझे लाइफ में कुछ ना कुछ करना है, क्योंकि यही सोचती कि पेंटिंग ही करनी है, पेंटिंग में ही कैरियर बनाना है। तो उन परेशानियों के बावजूद मैंने उसको चूज़ किया और शुरू किया, और 94 में मेरा एक कैरियर शुरू हो गया, जिसे आप कह सकते हो कि प्रोफेशनली कैरियर मेरा 94 में स्टार्ट हुआ। फिर बहुत सारे कैंप्स वर्कशॉप्स मैंने अटेंड किए और उधमपुर को रिप्रेजेंट किया बहुत जगह थ्रू आउट इंडिया। कोणार्क फेस्टिवल, जहाँ भी आप कहें, सिक्किम, शिलोंग, जहाँ जहाँ कैंप्स हमारे वर्कशॉप्स हुआ करते थे, मैं वहाँ जाता था और अपने इस J&K का कल्चर, जिसे मैं आप भूलने लोग भूल जा रहे हैं आजकल, बसोली मिनिएचर पेंटिंग जो मेरे स्पेशलाइजेशन है, जिसमें मेरी जो यहाँ का हेरिटेज है, जो J&K का बहुत रिच कल्चर था एक टाइम पे, राजाओं के टाइम पे, उसको सब लोग भूल रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि उस चीज़ को आगे ले जाया जाए, और पिछले 25-26 सालों से या 30 सालों से आप कह सकते हो कि मैं इसी पे काम कर रहा हूँ और लगातार काम करते जा रहा हूँ। लेकिन काम करने के बावजूद जो इस पेंटिंग को जगह मिलनी चाहिए थी और करने वालों को जगह मिलनी चाहिए थी, वो उधमपुर में नहीं मिल पा रही, क्योंकि उधमपुर के लोग हो गए, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, या J&K की सरकार हो गई, वो इस चीज़ तरफ ध्यान दे ही नहीं रही है कि यहाँ का लोकल आर्टिस्ट जो इतना मेहनत कर रहा है, एक डाइंग आर्ट को बचा रहा है, जो इतने सालों से काम कर रहा है, जब कभी राजाओं के टाइम पे इतने आर्टिस्ट काम किया करते थे, आज गिने चुने 7-8-9 लोग काम कर रहे हैं पूरे J&K में, तो वो कैसे सर्वाइव करेंगे जब तक उनको गवर्नमेंट हेल्प नहीं करेगी, उनका गवर्नमेंट काम नहीं देखेगी, लोग उनका काम अप्रिशिएट नहीं करेंगे, क्योंकि लोगों का काम भी ज़रूरी है कि वो लोग हमारा काम अप्रिशिएट करें, तभी तो ये हेरिटेज आपका बाहर जाएगा। क्योंकि मैं यहीं का कल्चर तो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, बसोली मिनिएचर पेंटिंग के बारे में आप ऑनलाइन कभी भी निकाल के देख लीजिए, वेब पे देख लीजिए, आपको इतना कुछ मिलेगा। बड़े बड़े म्यूजियम में, फॉरेन कंट्रीज में पेंटिंग्स लगी हुई हैं, जो पुराना काम हो चुका है, नया में भी हम पुराना भी काम कर रहे हैं, नया भी कर रहे हैं, और बहुत सारा काम किया जा रहा है, लेकिन इस चीज़ की तरफ कोई ध्यान दे ही नहीं रहा। इतने सालों से मैं काम कर रहा हूँ, जो एक जगह एक आर्टिस्ट को मिलनी चाहिए थी या उस काम को मिलनी चाहिए थी, वो अब तक नहीं मिल पाई, और मैं चाहता हूँ कि वो मिले, ताकि यहाँ का हेरिटेज, यहाँ का कल्चर ही तो आगे जाएगा, लोगों को पता लगेगा कि यहाँ पे कभी 1200 साल पहले, ये 1200 साल पुरानी पेंटिंग है लगभग, बसोली मिनिएचर पेंटिंग इतने साल पुरानी स्टार्ट हुई थी, तो उसको एक मुकाम तो मिलना चाहिए। मदर ऑफ ऑल पेंटिंग्स बोल सकते हैं, क्योंकि 1200 साल पहले ना मॉडर्न आर्ट था, ना आज का जो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है, या जितने भी नए फाइन आर्ट कह सकते हो, नहीं है, लेकिन ये आर्ट तब से पैदा हुआ है। केव पेंटिंग के बाद अगर कोई पेंटिंग अगर अच्छे ढंग से हुई है, तो वो मिनिएचर पेंटिंग हुई है, हमारी पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग, और जिसमें बसोली पेंटिंग का बहुत बड़ा नाम है, कांगड़ा पेंटिंग है, फिर हमारे मानकोट, जसरोटिया, बहुत सारे अलग अलग स्टाइल्स और कलम हैं जिनको बनाया जाता है, लेकिन उसको बनाने वाले करने वाले बहुत कम रह गए, क्योंकि उन लोगों पे ध्यान नहीं दिया गया, उन लोगों ने आर्टिस्ट छोड़ के, अपना काम छोड़ के कोई और प्रोफेशन अपना लिया, क्योंकि इसमें उनको ना तो अपना फ्यूचर नज़र आ रहा था, और ना ही गवर्नमेंट इस चीज़ की तरफ कोई देख रही है कि ना कोई इंस्टीट्यूट खुला, ना कोई स्कूल खुला, ना कोई ऐसा कोई कॉलेज खुला, जबकि जयपुर या आप किसी और किसी स्टेट में चले जाओ जहाँ पे इस तरह की पेंटिंग होती है, जैसे जयपुरी पेंटिंग बोलते हैं, वहाँ पे इसके कॉलेजेस भी हैं, वहाँ पे बहुत सारा वर्क हो रहा है, बहुत सारे काम हो रहे हैं, लेकिन यहाँ J&K में कुछ नहीं है। अरुण शर्मा जी, आप अपने कुछ अचीवमेंट्स शेयर करना चाहेंगे जी? अचीवमेंट के नाम पे मैं स्टेट अवार्ड होल्डर हूँ, और उसके अलावा बहुत सारे छोटे मोटे बहुत सारे अवार्ड्स मेरे नाम हैं जो मैं कर चुका हूँ। नेशनल अवार्ड के लिए कोशिश जा रही है कि नेशनल अवार्ड भी मेरे पास जल्दी से जल्दी आ जाए, कोशिश की जा रही है कि मैं नेशनल अवार्ड के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो वो देखें कब तक होता है।
तो बाकी अचीवमेंट यही है कि अब जो मैं पेंटिंग करता हूँ उसमें मान लीजिए कि मैं बहुत ज़्यादा परिपक्वता हो गया, मतलब बहुत अच्छे से काम कर सकता हूँ और जिसको आगे ले जाया जा सकता है, लेकिन ना तो सीखने वाले हैं क्योंकि इस काम को ना तो सीख रहे हैं। तो अचीवमेंट आपकी सबसे बड़ी ये होती है कि जब आपका काम और लोग सीखें, 10, 20, 40, 50 लोग जब आपका काम सीखेंगे, सबसे बड़ी अचीवमेंट एक आर्टिस्ट के लिए या एक जो सिखाने वाला उसका ये होता है कि उसका जो शिष्य हैं या उसके जो स्टूडेंट हैं वो सीखें और आगे सिखाएं और ये चीज़ चलती रहे, जो जबकि मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं उस चीज़ को ज़्यादा अचीवमेंट मानूंगा अपनी लाइफ में, ये तो ये समझता हूँ। थैंक यू अरुण शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। तो ये थे हमारे रिनाउंड आर्टिस्ट अरुण शर्मा जी, जिन्होंने आपके सामने अपनी बात रखी, अपने व्यूज़ प्रेजेंट किए, और हमें ऐसे आर्टिस्ट को हमें प्रमोट करना चाहिए जो कि नेशनल अवार्ड की तैयारी कर रहे हैं। तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है, हमारा कंट्रीब्यूशन बनता है। तो इसलिए मैं आप सबसे अपील करना चाहूँगा कि प्लीज़ 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 अरुण शर्मा जी को प्रमोट करें और इन्हें आगे बढ़ाएं। थैंक यू।